आप लोगों ने जैसे पहले वीडियो में देखा ही था, खेत में चने निकल चुके हैं। तो अब इस साल के ताज़ा चने की दाल बनानी है। दाल बनाने के लिए हम लोग मिक्सी से भी बना सकते हैं, आटा पीसने वाली चक्की से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग दाल बना रहे हैं हमारी जो पुरानी चक्की है उससे, क्योंकि आप सबको दिखाना भी है कि पहले किस चक्की से दाल बनाई जाती थी, आटा कैसे पीसा जाता था। अब ये चीज़ तो जानना ज़रूरी है कि पहले के लोग कितने मजबूत होते थे और कितना भारी भरकम काम बड़ी आसानी से कर लेते थे। ये हमारी पुराने वाली हवेली है, हम लोग पहले इसी में रहते थे, लेकिन विद टाइम हम लोगों ने उधर नए मकान बना लिए हैं। इन कमरों में हम लोगों ने अपना जो अनाज है वो स्टोर करके रख लिया है, पहले इसी मकान में हम लोग रहा करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने जो चने के कट्टे उस दिन लाके डाले थे वो पड़े हुए हैं। मम्मी बिल्कुल फ्रेश कट्टा खोल रही है, उसके अंदर से हम लोग आज चने ले रहे हैं जिनको कि हम लोग यूज लेंगे। अभी मुझे पीछे एक पड़ी हुई चीज दिख गई, मैं सोच रहा हूँ पहले आपको वो दिखा दूं। ये देखिए ये क्या चीज है फ्रेंड्स, ये जब पहले कुएं से पानी लाया जाता था तो औरतें इसको सर पे रख के लेके जाती थी। ये भी मैंने इसको नीचे उतार लिया है, देखिए क्या चीज है ये। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये होती थी इंडी, इंडी के साथ में ये जो नीचे लगा देते थे तो इसे बोलते थे कोड्याड़ा। जब पानी भरने जाते थे तो ये एक सिर का श्रृंगार होता था। अब मम्मी इसको सर पे रख के बता रही हैं कि ये इस टाइप से इसको सर पे रखा जाता था, ये सामने बिल्कुल डिजाइन टाइप बनती थी, यहाँ पे इसके ऊपर सर पे घड़ा रखा जाता था और ये बिल्कुल एक फैशन सिंबल हुआ करता था। विद टाइम घड़े भी खत्म हो गए और ये इंडी का भी परंपरा खत्म हो गई। बाकी आप देखिए कितनी मेहनत के साथ ये चीज बनाई हुई है, आज ये एक एंटीक पीस है। तो अभी हमने इंडी को टांग दिया है वापस खूंटी पे, वापस चलते हैं चने की ओर। यहाँ पे मम्मी जो ये फ्रेश चने जो हम लोग लेके आए थे इसका भगोनी भर रही है, इसी भगोनी को हम लोग अभी जो हमारी जो चक्की है जो हाथ से चलती है उससे हम लोग इसको पीसने वाले हैं। ये वो चाकी है जिससे पहले आटा दाल सब कुछ पीसा जाता था। अभी क्योंकि ये भात खुले में पड़ी रहती है इसलिए इसकी सफाई करने की भी नीड है, मम्मी लगी हुई है इस चाकी की सफाई करने में। एक बार इसकी क्लीनिंग हो जाए उसके बाद में हम लोग इसके अंदर दाल पीसेंगे। ये यहाँ पे यहां से इसके अंदर जो अनाज है वो डाला जाता है। ये ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये घूमता है, जो ये नीचे बिल्कुल फिक्स रहता है। इसके बाद जो दाल है वो इधर से बाहर निकल के पीसी हुई दाल इसके अंदर, ये चारों तरफ इसके जो बनी हुई है खाली इसके अंदर गिरती रहती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, ये आप देखिए ये जो इसका हैंडल है इस पे ये हाथ के निशान गिर पड़ गए हैं। अब आप खुद सोच लीजिए इस चक्की को चलाने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो अभी मम्मी यहाँ ग्रहण कर चुकी है अपना स्थान और वो पीसने वाली है इसके अंदर चने। मम्मी ने जो चने हैं वो पीसना इससे चालू कर दिए हैं जिससे कि दाल बन रही है। मैं पास ले जाके दिखाता हूँ कि कहाँ से क्या गिरता है। यहाँ से इसके अंदर चने डाले जाते हैं, जबकि अभी तक तो क्या है वो पार्ट के बीच में फंसी हुई है, दाल बाहर आना स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है वो यहाँ साइड से बाहर आके गिरना स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ ऊपर से दाल डाली जा रही है। ऊपर से जैसे मम्मी दाल डाल रही हैं वो यहाँ साइड के अंदर आ रही है। मैं सोच रहा हूँ इस मशीन को मैं भी चला के ट्राई कर लेता हूँ कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। अभी मैंने मम्मी को बोला है कि आप रेस्ट कीजिए, ये काम तो मैं ही करता हूँ। यहाँ पे मम्मी ने मुझे एक बात और बताई है कि इसको बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना होता है, यदि तेज घुमाएंगे तो जो दाने हैं वो सीधे आ जाएंगे बिना पीछे हुए। मम्मी इसको यू इस साइड भी घुमा सकते हैं? नहीं, उल्टी उल्टी साइड। बड़ी मेहनत वाला काम है, मुश्किल से 1 किलो हम लोग चने लेके आए थे, उसमें से 2 मुट्ठी चने पीसते ही पसीना आने लग गया। मैं सोच रहा हूँ पहले की औरतें कैसे 5-5, 10-10 किलो आटा एक साथ इससे पीस लेती थी। ये काफी भारी भरकम चीज है, वजन भी काफी और घुमाने में जोर भी अच्छा खासा आ रहा है।
अभी यहाँ पे फिनिशिंग टच का काम चालू किया है मेरी मम्मी ने, कि जो एंड में जो उसके नीचे बचे हुए हैं उसको तेज तेज घुमाएंगे तो वो निकल के बाहर आ जाए। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है वो भी अब आप लोगों को समझना जरूरी है। ये जो है ये इसका ऊपर का पार्ट होता है, भारी भरकम पत्थर होता है। इसको यहाँ पे उठा रहे हैं क्योंकि इसको भी साफ सफाई भी करनी है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो धुरी है इसके ऊपर वो लगता है, ये यहाँ से अंदर डल जाता है, ये दोनों बाद में घूमते रहते हैं। यहाँ नीचे भी वैसा ही पत्थर है वो फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको एक हल्की सी स्लोप लग रही होगी जिसकी वजह से क्या होता है जो यहाँ गिरते हैं दाने वो धीरे धीरे इधर नीचे फिसलते रहते हैं और घूमते घूमते चक्री के साथ में वो आके यहाँ गिर जाते हैं। इसके अंदर अब आप देख सकते हैं हमने खूब सारी दाल पीस ली है। अभी इस दाल में एक चीज क्या है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो छिलका है वो भी मौजूद है, साथ ही साथ जो दाने जो कुछ ज्यादा अच्छे से पिस गए उनका बेसन भी हो गया है। तो अभी बारी है इसको क्लीन करने का। अब इसको बाहर जैसे मैंने आपको पहले एक बार दिखाया था हम लोग गेहूं को साफ करते हैं, वैसे ही इसको भी हवा में हम लोग बरसा के क्लीन कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे छाइले का उपयोग हो चुका है शुरू, छाइले से इस दाल को बरसाया जाएगा जिससे जो इसका जो छिलका है वो उतर के साइड हो जाए और बिना छिलके के फ्रेश दाल मिल जाए। यहाँ पे मम्मी इसको बरसाने की लग रही है बट मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इसमें छिलके कोई खास दूर हुए नहीं है। अभी जब रुकेंगे तो देखेंगे क्या वाकई छिलके दूर हुए भी हैं या नहीं। अभी यहाँ पे मुझे मम्मी ने बताया कि इसको काफी बार बसाना पड़ता है, जब दो चार बार जब इसको बसा देंगे तो उसके बाद धीरे धीरे जो छिलके हैं और जो छोटे जो दाने हैं वो अलग होते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है वो नियरली क्लियर हो चुकी है, इसमें केवल वही दाने बचे हैं जो चने के दाने जो फूटे नहीं थे, केवल उनके ऊपर छिलका है। अब उनको अलग करने की बारी है। बन ला के क्या कैसे तो अभी यहाँ पे जो मोटे दाने थे उनको अलग करने का प्रोग्राम चालू हो चुका है, जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं पीछे बिल्कुल येलो कलर की दाल दिख रही है जबकि जो छिलके हैं वो आगे आ चुके हैं और छिलकों की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दाल है वो लगभग बन चुकी है। आपको ये बीच बीच में कहीं ये ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है। आज जब दाल क्योंकि मैंने बनाई थी तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये जो कोई छोटे जो चने के दाने थे वो इसके अंदर रह गए थे। अब मम्मी बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे चने के दाने तो इसके अंदर चले जाएंगे। अब जो बची हुई दाल है उसको भी मम्मी प्रोसेस करने के लगी हुई है, ये इन्होंने थोड़ी दाल बना के अलग रख ली थी, जो बची हुई है उसको इधर फिर से बरसाने के लगी हुई है जिसके बाद पूरी दाल मिल जाएगी।